नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 2 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में इस दिन जारी होगी 84 नगर निकायों की मतदाता सूची। हो गया फैसला, बिहार में होगा जातीय जनगणना। बिहार में भवन निर्माण विभाग ने बहाल की अब नई व्यवस्था। बिहार में यहां बनेगा मल्टी लेयर जंक्शन। बिहार में महिलाओं की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में इस दिन जारी होगी 84 नगर निकायों की मतदाता सूची। अगर आप भी नगर पालिका आम चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर सहित वार्ड पार्षदों जो कि प्रत्याशी बनने वाले हैं उनके लिए मतदान करना चाहते हैं और आप योग्य हैं तो जल्दी करें, क्योंकि नगर पालिका आम चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर सहित वार्ड पार्षदों का प्रत्याशी बनने के लिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का आपके पास अंतिम मौका है, जिसके बाद ही अब जिन प्रत्याशियों का नाम नगर पालिका चुनाव की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा वो चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद दूसरे चरण के लिए राज्य की 84 नगर पालिकाओं की मतदाता सूची प्रकाशित की जा रही है। इसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। वहीं 28 जून को 84 नगर निकायों की मतदाता सूची की प्रारूप प्रकाशित की जाएगी। ध्यान रहे, वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का अंतिम मौका 11 जुलाई तक है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी सिन्हा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। सोनाक्षी सिन्हा एक अभिनेत्री है। वो अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम सिन्हा की पुत्री है। उन्होंने फिल्म दबंग से फिल्मों में पदार्पण किया, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ पदार्पण अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 को हुआ था। वो एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है। स्वतंत्र फिल्मों के लिए एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम करने के बाद उन्होंने 2010 में एक्शन फिल्म दबंग में रज्जो पांडे को चित्रित करते हुए अभिनय की शुरुआत की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए पुरस्कार दिलवाया था। वहीं राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार, दबंग 2 और हॉलीडे अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी सहित कई एक्शन फिल्मों में पुरुष पात्रों की रोमांटिक रुचि निभाने के लिए वो प्रमुखता से बढ़ी हैं और विभिन्न प्रकार के आइटम नंबरों में भी दिखाई दे चुकी हैं। सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 को हुआ था। हो गया फैसला, बिहार में होगा जातीय जनगणना। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बीते कई दिनों से पेंच फंसा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। बीते दिन बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में यह तय हो गया है कि बिहार में जातीय जनगणना होकर रहेगी। हालांकि इस मामले में अभी आम लोगों से भी जानकारी ली जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी पक्षों और विपक्षी पार्टियों से बातचीत कर सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर काम करना होगा, जिसमें कई लोगों को लगाया जाएगा। जातीय जनगणना में जिन लोगों को लगाया जाएगा पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। कैबिनेट के माध्यम से समय सीमा तय किया जाएगा। बिहार में बाढ़ से नुकसान को कम करेगा ये मॉडलिंग सेंटर। बिहार में बरसात का मौसम बेहद ही चुनौतीपूर्ण होता है। बरसात के 4 महीने में बिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में होते हैं। वहीं बिहार के कई जिलों में मॉनसून के आते ही बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगता है। साल 2008 के कोसी प्रलय के बाद बिहार की नीतीश सरकार ने बाढ़ सुरक्षा के लिए कई प्रोग्राम किए हैं, जिसमें सरकार को काफी सफलता भी मिली है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर बनाने का काम किया है, जिससे बाढ़ से पहले की जानकारियों को इकट्ठा करने का काम किया जाता है। जल साधन विभाग के अभियंता प्रमुख मुख्यालय रविंद्र शंकर की माने तो मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर के माध्यम से नदियों में बाढ़ आने की संभावना को 5 दिन पहले अलर्ट किया जा सकेगा। इस सेंटर के माध्यम से नदियों में अलग अलग जगहों पर वाटर लेवल भी कितना होगा, तटबंध पर कहां कहां दबाव पड़ सकता है, इस बात की जानकारी मिलेगी। बंगाल के साथ साथ बिहार में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। भारत बांग्लादेश के बीच शुरू हुआ पैसेंजर ट्रेन सेवा। भारत बांग्लादेश के बीच तीसरे पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस की शुरुआत बीते दिन से कर दी गई है, जो कि उत्तर बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से शुरू होकर ढाका छावनी रेलवे स्टेशन तक जाने वाली है। ये करीब 9 घंटे में 513 किलोमीटर की दूरी तय करके ही ढाका पहुंचेगी। इसके शुरू होने से दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत होने के साथ ही बंगाल बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिसको ही बीते दिन भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के उनके समकक्ष मोहम्मद नरुल सुजान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड ने कार्यकारी सहायक प्रबंधक के कुल मिलाकर 1544 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने की तारीख 3 जून से 17 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.idbibank.in पर जाकर आवेदन से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आवेदन से संबंधित जानकारी लेने के बाद आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी जा सकते हैं।
बिहार में इस दिन से शुरू होगा ITI नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा। बिहार में सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 12 जून को आयोजित होने वाली है। इस प्रवेश परीक्षा को लेकर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने ITI CAT 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत आज से प्रवेश पत्र परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए BCECEB की आधिकारिक वेबसाइट www.bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर पूरी प्रक्रिया डाउनलोड करेंगे। 2 से 8 जून तक प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि को सुधारा जा सकता है। परिषद की तरफ से इससे पहले एक बार परीक्षा रद्द करते हुए 29 मई तक ऑनलाइन आवेदन तारीख का विस्तार किया गया था। इसके लिए राज्य के 15 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार में अभी झेलनी पड़ सकती है राजस्थान वाली गर्मी। बीते कुछ दिन पहले बिहार में बारिश की फुहार देखने को मिली थी, तब लोगों को लगा था कि शायद अब उन्हें गर्मी से निजात मिलने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बिहार में एक बार फिर से गर्मी की मार देखने को मिल रही है, जिसके तहत कई जिलों में पारा 42 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है। आलम कुछ यूं है कि बिहार की मिट्टी रेगिस्तान की तरह तप रही है। पटना से लेकर राज्य के 20 से अधिक जिले में सुबह से कड़ी धूप देखने को मिली, आसमान से आग बरसने जैसी स्थिति रही। हालांकि इस बीच कुछ जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी देखने को मिली, लेकिन गर्मी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में 1 से 2 स्थान पर बिजली के साथ मेघ गर्जन और बारिश को लेकर आज अलर्ट जारी किया गया है। संविदा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। बिहार के संविदा कर्मियों ने बीते दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत इन सभी संविदा कर्मियों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ही कर्मियों ने कहा कि सरकार उन लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। ये आंदोलन शुरू हुआ तो अब अपनी मांगों को वो मनवा कर ही शांत होने वाले हैं। इसके लिए ही सभी संविदा कर्मियों ने 12 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन भी विभागीय अधिकारियों और सरकार को सौंपने का काम किया है। साथ ही कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रत्येक महीने के अंतिम तारीख को मानदेय का भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें विलंब किया जा रहा है। योगदान की तारीख से जिला मुख्यालय में पदस्थापना तक का बकाया मानदेय और 6 महीने के बकाया मानदेय का भुगतान एक मुश्त हो। बिहार में भवन निर्माण विभाग ने बहाल की अब नई व्यवस्था। भवन निर्माण विभाग ने बिहार में भवन निर्माण को लेकर अब नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत ही भवन निर्माण विभाग ने योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ही अब नई व्यवस्था बहाल कर दी है। विभाग के अलग अलग श्रेणी के इंजीनियर योजना पर खर्च की गई राशि की स्वीकृति देने के पूर्व योजना का निरीक्षण करने का काम करने वाले हैं, जिसके बाद ही अगर वो निर्माण कार्य से संतुष्ट होते हैं तभी संतुष्टि प्रमाण पत्र देने का काम किया जाएगा, उसके बाद ही किसी भी प्रकार का भुगतान किया जाएगा। भवन निर्माण विभाग ने नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विभाग की यह कोशिश है कि अधिकार का दुरुपयोग ना हो और निर्माण की गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। जानकारी के अनुसार कार्यपालक अभियंता 10 लाख रुपए तक की योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था में जान फूकेगा मक्का। बिहार की अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में और ज्यादा सवरने वाली है, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था में मक्का जान फूकने वाला है। उद्योग विभाग के आर्थिक विशेषज्ञों के आकलन के मुताबिक 1000 किलो लीटर पर डे के मक्का आधारित प्लांट से इथेनॉल बनाने पर उद्यमी को मक्का खरीद पर कुल सालाना 109 से 125 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में अगले 2 साल में 30,000 करोड़ से अधिक के निवेश आए हैं। इस निवेश से निवेशकों का पैसा तो बनेगा ही, किसान की भी चांदी होगी। इथेनॉल के ग्रीन फील्ड ग्रेन प्लांट लगने से मक्का उत्पादक किसानों के दिन फिरने जा रहे हैं। वो इसलिए कि इथेनॉल उत्पादन का मुख्य कच्चा माल इकलौता मक्का है। अनुमान के मुताबिक सालाना 2500 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खाते में जाएगी। बिहार के सभी व्यापारियों के लिए खुशखबरी। बिहार के व्यापारी और उद्यमी अब प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का लाभ उठाने वाले हैं, क्योंकि पूर्व बिहार और मालदा मंडल का पहला मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। जानकारी के अनुमान जमालपुर क्यूल रेलखंड स्थित मसूदन अभयपुर स्टेशनों के बीच पहला मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनेगा। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। टर्मिनल बनाने के पीछे का उद्देश्य व्यापारियों को बेहतर सुविधा देना है। पूर्व बिहार के भागलपुर, बांका, लखीसराय, जमुई सहित दूसरे जिलों के भी व्यापारी सीधे कार्गो सेवा से अपना सामान मंगा सकते हैं। कंटेनर रखने के लिए टर्मिनल बनाया जा रहा है। बिहार में यहां बनेगा मल्टीलेयर जंक्शन। बीते दिन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में ही बिहार के 8 जिलों में 1,175.79 करोड़ रुपए की लागत वाली 15 ROB बनाने की मंजूरी दी है। इसमें ही राज्यांश 669.29 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बिहार के प्रस्तावित 12
SH और उसको ही NH में परिवर्तित करके गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में संशोधन, पटना के पहाड़ी में मल्टीलेयर जंक्शन, अनिसाबाद कचरी दरगाह एलिवेटेड बनाने सहित अन्य सड़कों और पुल परियोजनाओं पर विचार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही इस दौरान राज्य सरकार ने महात्मा गांधी सेतु के नए 4 लेन को बन जाने के बाद ही इनके 8 लेन सहित NH 30, NH 19 और SH 101 की ट्रैफिक को संभालने के लिए पटना में पहाड़ी के पास मल्टीलेयर जंक्शन का प्रस्ताव दिया है। बिहार में लगभग 600 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड आए सामने। बिहार में फर्जी सिम कार्ड उपयोग करने वालों पर व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू होने वाली है। अब तक के जांच के बाद इस मामले में 600 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड धारक सामने आए हैं। आर्थिक अपराध इकाई अब इस मामले में सभी जिलों के आंकड़े एकत्र कर समेकित रिपोर्ट तैयार करने वाला है। अगले महीने पटना हाईकोर्ट में इस मामले पर राज्य सरकार की तरफ से EOU को जवाबी हलफनामा दायर करना है। फर्जी सिम कार्ड के मामले की जांच जिलों के अलावा STF के स्तर से भी की जा रही है। अब तक की जांच में सबसे ज्यादा फर्जी सिम से जुड़े मामले पटना जिले में सामने आए हैं। यहाँ करीब 325 मामले सामने आ चुके हैं। BPSC पेपर लीक मामले में हुई एक और गिरफ्तारी। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक पेपर लीक मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से गठित SIT टीम को इस मामले में बीते दिन बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत ही आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से गिरफ्तार अभियुक्त संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पटना में अजय कुमार के मकान में किराए पर रहते थे। ज्ञात हो आर्थिक अपराध इकाई द्वारा मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त संजय कुमार द्वारा इस कांड के मुख्य सरगना आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव से परीक्षा के दिन और परीक्षा से पहले कई बार बातचीत करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। BPSC परीक्षा में डमी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुए थे। बिहार में लोगों की पहली पसंद है गाय का दूध, जिलावार आंकड़ा आया सामने। बिहार के लोगों की पहली पसंद के ऊपर जब आकलन किया गया तो जवाब मिला गाय का दूध। हाल ही में जारी किए गए ताजा जानकारी के अनुसार बिहार भर में दूध उत्पादन आमतौर पर 11,501.58 हजार टन से 62.6% उत्पादन गाय का दूध ही है। वहीं भैंस के दूध के उत्पादन में भागीदारी 35.3% और बकरी के दूध की भागीदारी मात्र 2.2% है। सबसे खास बात यही है कि बिहार के लोगों का गाय के दूध के प्रति काफी रुझान बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 में कुल दूध उत्पादन में गाय के दूध की मात्रा 58.2% थी, जो एक साल बाद 4.4% बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ उत्पादन के लिहाज से देखा जाए तो राज्य में सबसे अधिक पटना जिले में 595.74 हजार टन दूध का उत्पादन होता है, जो राज्य के कुल उत्पादन का 5.2% है। वहीं राज्य में सबसे कम शिवहर में 53.88 हजार टन दूध का उत्पादन हो रहा है। किशनगंज के हरगौरी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ये मंदिर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज नगर में स्थित है। 1901 में स्थापित इस मंदिर की स्थापना की कहानी भी रोचक है। कहा जाता है कि यहाँ की जमीन को रविंद्रनाथ टैगोर के वंशज ज्योतिन्द्र मोहन ठाकुर ने खरीदी थी और इसका नाम ठाकुरगंज रखा। 1897 में उनके परिवार द्वारा पूर्वोत्तर कोण में पांडव काल के भग्नावशेष की खुदाई क्रम में शिवलिंग मिला, जो कि 1 फुट काले पत्थर का था। शिवलिंग पर आधे हिस्से में भगवान शिव और आधे हिस्से में माँ पार्वती अंकित है। ठाकुर परिवार इसे कलकत्ता में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन रात को ही सपने में भगवान शिव ने कहा कि इस प्रतिमा को वहीं स्थापित किया जाए जहां पर वो मिली है। वो दूसरे दिन ही वापस आ गए और बड़ी धूमधाम से इस मूर्ति की स्थापना करते देखे गए। बिहार में 1000 मेगावाट पनबिजली का होगा उत्पादन। बिहार में 1000 मेगावाट की पनबिजली परियोजना की संभावनाएं तलाशी जा रही है। इसमें ही दुर्गावती जलाशय से लेकर अन्य स्थलों पर अध्ययन किया जाएगा, जिसके बाद यह पनबिजली की संभावनाओं की तलाश केंद्र सरकार की तरफ से अक्षय ऊर्जा के लिए नामित एजेंसी SJVN करेगी। इसको लेकर ऊर्जा मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों, जिसमें पंप स्टोरेज प्लांट परियोजनाएं शामिल है, उसके लिए केंद्रीय उपक्रमों को नामित करने का काम किया है। अब बिहार में PSP की संभावनाएं तलाशने के लिए ही SJVN को नामित किया गया है। SJVN को बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। योजना के अनुसार SJVN बिहार में पनबिजली की संभावनाओं को तलाशेगा। राज्य में अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए कैमूर सहित राज्य के अन्य जिलों में 1000 मेगावाट में पंप स्टोरेज स्कीम के लिए कंपनी से करार भी होगा। बिहार में महिलाओं की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर। एक वक्त था जब बिहार में बेटियों को बचाना एक चुनौती का काम था, और आज एक वक्त है जब बिहार में लिंगानुपात में लगातार सुधार का क्रम जारी है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। राष्ट्रीय और अन्य पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड की तुलना में बिहार में सुधार अधिक हुआ है। आलम कुछ यूं है कि बिहार में लिंगानुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में 995 से 1017 और झारखंड में
1002 से बढ़कर 1050 हो गया है। वहीं बिहार में राष्ट्रीय लिंगानुपात दर में भी अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय लिंगानुपात दर 991 से बढ़कर 1020 हो गया है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के दूसरे चरण की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार स्वास्थ्य के कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किए गए हैं। शुरू हो गया शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन। बिहार समेत देश भर में शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर बीते दिन ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख जारी कर दी है, जिसके तहत ही शिक्षकों के पास ऑनलाइन आवेदन शिक्षकों को 20 जून तक का मौका मिला है। ध्यान रहे कि इस पुरस्कार के लिए वही शिक्षक आवेदन करेंगे जो शिक्षक के रूप में 10 साल पूरे कर चुके हैं। इस बार देश भर में 32 शिक्षकों का चयन किया गया है। जो शिक्षक चयनित होंगे उन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन सम्मानित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन के लिए बोर्ड ने वेबसाइट पर लिंक दिया है, उसी लिंक पर जाकर शिक्षकों को आवेदन करना है। चंदा जुटाने में भाजपा नंबर वन, बिहार में जदयू भी हुई मालामाल। राजनीतिक दलों में चंदा मिलना आम बात है। चंदा इकट्ठा करके ही पार्टियां अपने कई सारे काम को करती है। वहीं हर साल चंदा मिलने के सारे रिकॉर्ड्स भी अब टूटने लगे हैं। बात हो राष्ट्रीय दल की या फिर क्षेत्रीय दल की, सभी के चंदे में जोरदार उछाल देखने को मिला है। बीते दिन ही चुनाव आयोग की तरफ से साझा की गई रिपोर्ट के अनुसार चंदे के मामले में भाजपा देश की नंबर वन पार्टी है। कांग्रेस की तुलना में उसे लगभग 7 गुना ज्यादा राशि मिली है। भाजपा के खजाने में साल 2020-21 में 477.5 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस को 74.5 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले हैं। चंदे के आंकड़ों पर गौर करें तो कांग्रेस को मिला चंदा भाजपा को मिली राशि का महज 15% है, यानी भाजपा को कांग्रेस की तुलना में 85% ज्यादा चंदा मिला। जातिगत जनगणना के लिए मायने नहीं रखती सहनी की राय, नहीं मिला बैठक का आमंत्रण। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बीते दिन सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बिहार के लगभग सभी दलों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे, लेकिन इस बैठक का आमंत्रण विकासशील इंसान पार्टी को ही नहीं मिला, जिस पर ही मुकेश सहनी की नाराजगी भी देखने को मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने को लेकर उन्होंने कहा कि मैं भी भाग लिया था, लेकिन राज्य में सर्वदलीय बैठक में वीआईपी को नहीं बुलाया जाना समझ से परे है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जातिगत जनगणना के पक्ष में हमारी पार्टी हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। माली ने अपने संविधान 1974 में अपनाया। भारत, रूस और चीन का व्लादिवोस्तोक सम्मेलन 2005 में समाप्त हुआ। भारत सरकार ने 2011 को शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों में मुक्ति दिलाने और गरीबों को अपने घर का सपना पूरा कराने में सहायता के लिए राजीव गांधी आवास योजना के पहले चरण को मंजूरी दी। सन 2014 में आज ही के दिन तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का जन्म 1930 में हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 1987 में आज ही के दिन हुआ था। पद्म भूषण से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्राण कृष्ण पारी का निधन 1978 में आज के दिन हुआ था। भारतीय निर्माता निर्देशक अभिनेता राज कपूर का निधन 1988 में आज के दिन हुआ था। YouTube ने भारत में केवल 3 महीने में हटाए 11 लाख से ज्यादा वीडियोस। गूगल के स्वामित्व वाले YouTube ने 2022 के पहले 3 महीने में भारत में 1.1 मिलियन से अधिक वीडियोस को हटा दिया है, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका था, वहां पर कंपनी ने इस अवधि के दौरान 358,134 वीडियोस को हटाया है। कुल मिलाकर YouTube ने हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए Q1 2022 में 4.4 मिलियन से अधिक चैनल्स को समाप्त कर दिया। इन चैनलों में से ज्यादातर को कंपनी की स्पैम पॉलिसी का उल्लंघन करने के कारण समाप्त किया गया है। अगले महीने से मिल सकती है गंगा पथ पर परिचालन की अनुमति। गंगा पथ पर LCT घाट से जाने के लिए जुलाई तक काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार गंगा पथ की तरफ से जाने के लिए LCT घाट के पास ही उत्तर साइड की एक लेन सड़क 250 मीटर ऊंची की जाएगी। गंगा चैनल में बन रहे 90 मीटर के पुल की ऊंचाई के कारण सड़क को ऊंचा करने का काम होने वाला है। इसके बनने पर लोग कुर्जी पाटलिपुत्र बैनपुरा बोरिंग केनाल रोड के बीच यातायात की सुविधा सुगम होने वाली है। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ब्रिज की ऊंचाई अधिक होने के कारण उस पर जाने के लिए LCT घाट से सटे उत्तर वाली एक लेन सड़क को ऊंचा किया जाएगा। कुर्जी से राजापुर पुल जाने के लिए LCT घाट के पास लगभग 250 मीटर की लंबाई में सड़क ऊंची होगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है तौफिक आलम, कल्याणी चौधरी, रघुनाथ प्रसाद, सुजीत कुमार, ललन मोटिव, राजकुमार प्रसाद, मनोरमा कुमारी, दिलखुश राज, जसमन कुमार, विकास कुमार, दिलीप कुमार, पंकज कुमार दास। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार में आप जातीय जनगणना करवाने के पक्ष में है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।